जाने लगे अभी हम सड़क पे, गाड़ी आने वाली 2 बजे वाली, तो जल्दी से चलते हैं। धूप भी लग रही है बहुत तेज, फिर मम्मी का सोने का टाइम भी हो रहा है, मम्मी सो जाएगी उसके बाद आराम से। अभी मैं रेडी हो गई हूँ ससुराल जाने के लिए, मैं जा रही हूँ ससुराल। वैसे मैंने ससुर जी के साथ जाना था, लेकिन ससुर जी पता नहीं कब तक आते हैं, शाम तक ही आएंगे, 3-4 बजे तक 4 बजे तक, तो मैं चली जाती हूँ पहले ही। और यहाँ पे देखो तोर वगैरह भी होने वाली है कुछ टाइम बाद, यहाँ पराल रखा हुआ है। कान में फोन लगा रही हाथ से है ना, हेलो कर, हेलो कर। यहाँ पे अभी सासू जी भी आ गए घर खेत से, गुजार के थे न्यार लेने पराल लेने, और अब यहाँ पे नाच पुणा जा रहा है। नाच वगैरह भी पुण के हमने संभाल दिया है। अभी हम लोग गार गए खेत में, मैं और सासू जी पराल लेने, और मैं बांध रही हूँ यहाँ पराल की पुली, पराल की कटोली भी हमने उठा दी है। आगे हम घर, सासू जी पीछे जा रहे हैं, मैं आगे आ गई हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग, आए हो आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में, दिन के साथ नई शुरुआत के साथ। अभी थोड़ी देर पहले उठी मैं सो के 6:30 बजे में, और अभी मेरा नाश्ता वगैरह बन रहा है। मम्मी लोग जाके नीचे, मम्मी काम से जा रही है, मेरे भाई जा रहे धारे पे पानी के लिए, 1 घंटा पानी लेके भी आएगा और मुँह हाथ धुल के आएगा, उसका स्कूल है, दिन का स्कूल लग गया ना उसका अब, तो मैं तब तक नाश्ता बनाती हूँ जल्दी से। मेरा नाश्ता बनाने का काम है, सब्जी मैंने बना दी है, सब्जी मेरे चूल्हे पर रखी हुई है, कद्दू की सब्जी बना रही हूँ मैं, और अब रोटी, रोटी बनानी है, आटा गूंद के रखा फ्रिज में, तो चलो मैं रोटी बनाती हूँ पहले, उसके लिए उसको देर हो जाएगी स्कूल जाने के लिए, फिर नाश्ता भी टाइम पर मिलना चाहिए ना उसे भी, तो जल्दी से बना लेते हैं, फिर उसे रोटी राटी खिला के स्कूल भेजते हैं। जल्दी से पहले मैं रोटी बना लेती हूँ, ठीक है, तब मिलती हूँ मैं आपको रोटी बनाने के बाद। बाकी आज के मौसम कुछ इस तरह से है, सामने किन खूबसूरत पहाड़ों पर प्यारी सी धूप खिल गई है, और आसमान भी एकदम साफ है, बादल वगैरह नहीं छाए हुए हैं, आजकल का मौसम एकदम बढ़िया है, अच्छा सा मौसम है, बारिश वाला मौसम नहीं हो रहा है आजकल। और नदी का नज़ारा भी कुछ इस तरह से है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है अभी, है ना, बहुत ही प्यारा मौसम लग रहा है आजकल का, मुझे ऐसी ही धूप अच्छी लगती है। और ठंड भी होने लगी है हल्की हल्की, सुबह से हम हल्की हल्की ठंड बढ़ने लगी है, और हमारे यहाँ ज़्यादा ही ठंड होती है क्योंकि नदी की वजह से, इतने नज़दीक पर नदी आ रखी तो ठंड तो होगी ना, ठंडी ठंडी हवा चलती है सुबह सुबह, और कुछ टाइम बाद ना इस हवा से ना हाथ पैर सारे फट जाते हैं, मतलब अजीब से हो जाती है स्किन। तो अभी मम्मी तो आई नहीं नीचे से, रोटी भी बनने ही वाली है, और ये खाने लगा, यहाँ पे ये करने लगा है नाश्ता, इसने स्कूल जाना है, रेडी हो गए स्कूल जाने के लिए। कैसा हो रहा है? अच्छा, मैंने बनाया तो अच्छा तो होगा। हाँ बस सान रोटी का खाली, और ये रास्ता कर रहा है, मैं अभी बना ही रही हूँ, थोड़ा सा ही बनाऊंगी, बाकी आटा मैं बचा लूंगी, आटा थोड़ा ज्यादा है ना तो ज्यादा नहीं बनाऊंगी, देखती पूरा भी बना सकती हूँ क्योंकि कुत्ते भी है ना, उनको खिलाना है, जल्दी से बनाते हैं। नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया है, बर्तन वगैरह से धुलने के लिए वो मैंने धुल दिए हैं, अभी जा रही हूँ मैं नीचे धारे पे, मम्मी के लिए बंठा ले गए, मम्मी ने बोला मेरे लिए पानी का बंठा लेके आ जा, पर तो उसे लेके चलते जल्दी से। और नीचे मम्मी का कॉल आया था अभी चाची के फ़ोन से कि एक बकरी है ना गाँव की किसी की, तो उसे देख के आना, बोलो मारती भी है, पर तो मुझे डर भी लग रहा है जाने में, देखते हैं क्या होता है। आएगी आएगी वो यहाँ पे, इसको तो इसके से शक्ल ही देखिए डर लग रही, भाई खतरनाक वाली बकरी है ये। अभी दिन का टाइम भी हो गया, टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं, खाना वगैरह हमारा हो गया, अभी अभी हुआ हमारा खाना, अभी खा ही रहे हैं खाना, खेल
तो खाना तो हमारा हो गया है, अभी बर्तन वगैरह नहीं धुले क्योंकि यहाँ पे धूप है, तो थोड़ी देर बाद धुलेंगे जब यहाँ पे छांव आएगी तो मम्मी धुलेंगे। अभी मैं रेडी हो गई हूँ ससुराल जाने के लिए, मैं जा रही हूँ ससुराल। वैसे मैंने ससुर जी के साथ जाना था लेकिन ससुर जी पता नहीं कब तक आते हैं, शाम तक ही आएंगे, 3-4 बजे तक 4 बजे तक, तो मैं चली जाती हूँ पहले ही। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छांव है पेड़ के, यहाँ पे भीमल का पेड़ है ना 2-3 इकट्ठे, तो यहाँ पे ठंडा हो रखा है। यहाँ पे मुझे लगा सांप है, यहाँ पे अक्सर एक सांप रहता है, इतना मोटा रहता है, लंबा सा रहता है, उससे बहुत डर लगती है। काटता नहीं हो कभी किसी को, 4-5 साल हो गए सब देखते देखते मुझे, वो चल भी नहीं पाता है भाई जल्दी से, वो छिड़ भर तो मैं सोचा कि सांप होगा वहाँ पर लेकिन नहीं है। तो चलो चलते हैं सड़क पे, जाने लगे अभी हम सड़क पे, गाड़ी आने वाली 2 बजे वाली, तो जल्दी से चलते हैं, धूप भी लग रही है बहुत तेज, फिर मम्मी का सोने का टाइम भी हो रहा है, मम्मी सो जाएगी उसके बाद आराम से। अरे यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया आ रखी भाई, छिड़बिड़ कर रही है, ये देखो आवाज़ भी कर रही है, जल्दी से चलते हैं। रास्ते पे ऊपर जा रही हूँ और थकान भी लग रही है, बहुत ज़्यादा तेज थकान लग रही भाई। और यहाँ पे देखो तोड़ वगैरह भी होने वाली है कुछ टाइम बाद, यहाँ पे पराल रखा हुआ है जो नाच होता ना उसका घास घास के लिए, इतनी सांस फूल रही ना चढ़ाई भी जाते जाते वैसा। चलते हैं जल्दी से घर, यहाँ पे भी तोड़ बोल रखी होना ये वाली है भाई कुछ टाइम है, ये देखो हल्दी। चलते हैं जल्दी से, देख खाना क्या मनोरंजन जी बैठे क्या नहीं ले आना ना ले आना ना बुआ देखना बुआ बैठ क्या ठीक ठाक तो हमारे परी भी आ गई उठ के परी परी आजा 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 चल आ गई ये परी 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 कान में फोन लगा रही हाथ से है ना, हेलो कर हेलो कर लिखो नोट पर कर लिया लो हमको तो ना जरूर बोले अरे तो बैग करना क्या हम स्कूल नहीं लेके तब बैग नहीं मिल मैं से कुछ कहाँ जाने तू प्राप्त जाए ना मम्मी आइए कह रहे थे ये सी है भाई। यहाँ पे अभी सासू जी भी आ गए घर खेत से गुजर के थे न्यार लेने प्राप्त लेने और अब यहाँ पे नाच पूरा जा रहा है और मैं भी चलती हूँ नाच के फूलने कुछ इस तरह से सुना जाता है। अभी शाम के 5:30 भी हो गए हैं, नाच वगैरह भी पुण के हमने संभाल दिया है। अभी हम लोग गार गए खेत में मैं और सासू जी पराल लेने और मैं बांध रही हूँ पराल की पुली और सासू जी यहाँ पे गडोली लगा रहे हैं, मैं बैठ बैठ के यहाँ पे पुली बांध रही हूँ तब जाएंगे घर। सासू जी के लिए तो बंदी हुई है, मैं अपने लिए बांध रही हूँ, उनको बांध देते हैं तो चलते हैं घर जल्दी से।
ज़्यादा नहीं उठा हो गया, पर आल की कटोली हमने उठा दी है। आगे हम घर, सासू जी पीछे जा रहे हैं, मैं आगे आ गई हूँ। और ये कटोली लग रही है, यहाँ पे झाड़ी वगैरह हो रही है ना, तो फंस रही है झाड़ी पे, तो चलना मुश्किल हो रहा है। अभी ऊपर डिग्गी में इसे सही करूँगी ना, इधर खुलूँगी तो ठीक से रखूँगी जिससे झाड़ी पर ना लगे, क्योंकि ऊपर रास्ते में बहुत सारी झाड़ियाँ हैं ना, तो उसमें लग जाएगा वो। तो चलते हैं अभी घर। केसरी में घर आ गई हूँ पराल की कटोरी लेके। सासू जी भी बहुत पीछे छूट गए हैं, मैं जल्दी जल्दी आई ना, वो आराम से आते हैं, मैं आगे आगे आ गई थी। तो चलो अब घर का काम करते हैं, देखते हैं खाने में क्या बनाना है, सब्जी वब्जी काटते हैं।